और आप इन समुद्र की लहरों की बात कर रहे हैं ना, इन लहरों ने निशांत बहुत सारे क्रिकेटर्स जो जीत के आए हैं उनके सफर को देखा है। ये लहरें ऐसी ही बहती रही, इन्हीं लहरों के बहते बहते रोहित शर्मा भारतीय टीम के प्लेयर से कप्तान बने और अब वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है। ये लहरें ऐसी ही बहती रही और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से, ये शहर उनका है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार जो है वो यहीं पर मॉर्निंग में जॉगिंग करने आते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये चेहरे पहचान, ये लहरें जो है ना इनको भी अपने ये प्लेयर्स के तौर पे जानती थी। अब जब ये लहरें उन प्लेयर्स को देखेंगी तो वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर जानेंगी, तो वो जो उत्साह लोगों के साथ साथ उन लहरों में दिखाई दे रहा है वो इसीलिए दिखाई दे रहा है। आज पूरी दुनिया को भारत एक लेसन दे रहा है और वो लेसन है कि कैसे जश्न मनाया जाता है, कैसे जश्न मनाया जाता है और कैसे हाउ टू सेलिब्रेट और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी संदेश दे रहा है। ये भारत का फ्लैग, मुझे याद है जब हम लोग वर्ल्ड कप चैंपियंस, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियंस की दीवानगी देखते थे उनके उनके फैंस की, तो हम बोलते थे ये क्या हो रहा है। ये देखिए टीम इंडिया जो निकल रही है एयरपोर्ट से, मुंबई से, उसके शॉट से, ये देखिए जरा, आपको रोहित के हाथ में ट्रॉफी नहीं दिखेगी, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ट्रॉफी हार्दिक के हाथ में है और हार्दिक उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने जैसे फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। लेकिन ये, और हाँ, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, अर्शदीप आपको दिखाई दे रहे, इन सभी लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया, ये प्रधानमंत्री जी से मिले, इन्होंने अपनी ट्रॉफी उनको दी। अलग अलग नारे हैं, अलग अलग जोश है, ये दीवानापन यूजुअली जो फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज होती है उनमें देखा जाता है। लेकिन सेलिब्रेशन देखिए, अब आप एक तरफ वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव पर सेलिब्रेशन हो रहा है, तीसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने उनको होस्ट किया, सबको होस्ट किया, उनकी फैमिली से मुलाकात की, चौथी तरफ अभी सब बदल गया, तो जीतते तो सब ऐसा ही हो गया, हारेंगे तब सब ट्रोल करने वाले, दुनिया हारती है तो ऐसा ही बोलती है, अभी जीते तो कैसे अच्छे से कर दे। अभी यहाँ पे आइकॉनिक जगह है 2007 का, हमने देखा यहीं से रैली निकली थी, 2011 की जो है यहीं से रैली, कैप्टनसी के अंदर धोनी थे, आज रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को किस तरह से देखा? बहुत अच्छी, T20I का बेस्ट कैप्टन है वो, पार्ट ट्रॉफी MI के लिए, दो चैंपियंस ट्रॉफी और ये एक अनबीटन गए, खाली एक ही मैच हारे 19 नवंबर का, वो उसका लेगेसी डिफाइन नहीं कर सकता। आप यूथ हैं, आगे जाके ये किस तरह से कहानी जो है अपने, ये जो तस्वीरें आपके सामने, इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि कौन से वो दो खिलाड़ी हैं जो आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एक खिलाड़ी वो जिसने उनको अपने कंधे पर बैठाया और एक खिलाड़ी वो जिसके सिलेक्शन में सचिन ने बहुत बड़ा रोल निभाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बिल्कुल निशांत, और देखिए आज की तारीख में विराट कोहली उस रेस में है, सचिन से यही पूछा गया था ना कि आपके 100 शतकों का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं इस हॉल में दो लोग हैं साहब जो कर सकते हैं, विराट कोहली उस रेस में है, रोहित शर्मा उस रेस में रही है, रोहित शर्मा के इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 48 शतक हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा लाइन थोड़ी और बड़ी खींचते हैं, कहाँ ये 50 शतक 60 शतक, 50 बने, 55 बने, 60 बने, अब उन्होंने जो लाइन खींच दी है, बचपन में सिखाया गया था ना किसी की लाइन छोटी करनी है उसको मिटाओ मत, अपनी बड़ी खींच दो, अब उन्होंने जो लाइन खींची है कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद रोहित शर्मा, ये होता है अपना कमिटमेंट, ये होता है अपनी प्रतिबद्धता, ये होता है अपना समर्पण और ये होता है उस अपने आप में भरोसे को बचाए रखना। 19 नवंबर को जिस तरह से रोहित शर्मा हारे थे ना, बहुत लोग सोचते कि यही छोड़ देते हैं क्रिकेट, इसके बाद जरूरत ही क्या है, अब हासिल करने को क्या रह गया है, लेकिन उन्होंने हासिल किया और हासिल करके वो दिया जिसके नजारे, जिसके सेलिब्रेशन के नजारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके सामने। मुंबई के सीएम ने, मुंबई में सीएम ने बात की है, भीड़ को लेकर बातचीत की है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त आ रही है, लेकिन आपके सामने हमें इंतजार है, मैं जाऊंगा जरा एक तरफ वो शॉट दिखाइए टीम इंडिया के आते हुए और हार्दिक को देखिए, हार्दिक के हाथ में ट्रॉफी है और हार्दिक अगर बात की जाए, ये देखिए ये टीम इंडिया के शॉट से यहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर ये लोग बाहर निकल चुके हैं, मैं आपको बताऊं वैसे ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आज जो मैं आपको बता रहा था सेलिब्रेशन के जो चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पहला प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, दूसरा उसके बाद ये विक्ट्री परेड, तीसरा जो सबसे खूबसूरत है वो वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरीके से लोगों का जोश दिखाई दे रहा, और चौथा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वहां पर,
जहां से ये लोग निकल रहे हैं। आज सुबह मौर्या में आए, सुबह 6 बजे के आसपास टीम लैंड करती है, मौर्या में आते हैं, वहां पर ढोल नगाड़े, रोहित का वीडियो वो वायरल हो रहा है किस तरीके से, वो भी भांगड़ा पहली बार करते हुए आपने देखा होगा। और ये देखिए लोगों का हुजूम, मुंबई में 3.5 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव है, यकीन मानिए समंदर की लहरें एकदम उछल कूद करते हुए फैंस के बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे वो भी स्वागत करना चाहती है। फैंस तो समंदर की लहरों से ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ सिर दिखाई दे रहे हैं, एकदम सटे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये है मुंबई का जोश, भारत का जोश। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ने जब इनसे मुलाकात की तो पूरे परिवारों के साथ मुलाकात की। मुझे याद है बुमराह के जो बेटे हैं उनको हाथ में लिया, सूर्य कुमार यादव की फैमिली से बातचीत की, सारे क्रिकेटर्स की फैमिली से बात की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये टीम इंडिया के लिए। अब आप ये देखिए जरा, और इस टीम ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए इस बार, और कई नए खिलाड़ी दे दिए। शिवम दुबे अगर मैं बात करूं, ही इज पिक ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगर बात की जाए अर्शदीप, व्हाट अ बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग, किसी को उम्मीद नहीं थी, हालांकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आए, येट ये टूर्नामेंट बहुत कुछ दे गया है। हाँ, लेकिन 3 खिलाड़ी जो रिटायर हो गए उसका थोड़ा मलाल मुझे रहेगा। शिवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, जो खिलाड़ी वो देकर गए इस जीत के, जो हीरोज आप चाहे शिवम दुबे की बात कर लें, और आप सोचिए निशांत, शिवम दुबे को फाइनल से पहले ये कहा जा रहा था कि उनको बाहर बिठाना चाहिए, उनकी जगह संजू सैमसन को खिलाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार अगर भरोसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भरोसा किसका, भरोसा फैंस का भरोसा अगर रोहित शर्मा का पर है तो रोहित शर्मा का भरोसा अपनी टीम पर है। वो अपनी